आज का जो हमारे आफरीन शेख जो मैडम है हमारी यूथ की थाना अध्यक्ष है और वो बहुत डैशिंग हमारे बुमराह में एक लेडी है जिसकी हिम्मत अफजाई करना सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ है और मैंने वो हिसाब से बुमराह में मेरे ऑफिस में उनको सुबह सुबह फ़ोन करके मुबारकबाद दिया और बोला आज अपना केक जो है वो अपने ऑफिस में कटेगा और तुमको हम सब मिलकर मुबारकबाद दे देंगे। खुशी का मौका है। आफरीन जो है बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देखिए उसने काम करा। उसको थाना युति का प्रेसिडेंट बनाया गया था, आप लोगों को पता ही है। और आज खुशी के मौके में अपनी नेक ख्वाहिशात दूंगा और क्या उसके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उसके सारे तमाम जायज तमन्नाओं को पूरे करे और उससे और ज़्यादा कौम का काम ले और समझदारी उसको अच्छे समझदारी से अच्छी लीडर बने। हमारी नेक ख्वाहिशात है कि आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे उसके लिए आफरीन को उसका टिकट दिलाएंगे और उसको किसी भी तरह जीता करके थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नगर सेविक की शक्ल में भेजेंगे ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं गफ्फू रुमानी सर जो थाने वाइस प्रेसिडेंट, थाने डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है मेन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सोहेल भाई हैं जो हमारे यूथ कांग्रेस के, फिरोज़ भाई हैं यहाँ पर, सभी वरिष्ठ जो हमारे सीनियर हैं यहाँ पर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब अपनी बच्ची को, कांग्रेस की जो उनकी बच्ची है, हर साल वो हौसला अफजाई के लिए वो दुआएं देते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। ये जन्मदिन की मुबारकबाद मिलने पर इंसान का एक जीने की उम्मीद और बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखा जाए कि बर्थडे आना मतलब सालगिरह आना मतलब साल कम होने की अलामत है और एक साल बढ़ता भी है कि जिस हिसाब से आपको संघर्ष करना है ज़िंदगी में, ज़िंदगी की कश्मकश में आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स हो, घर गृहस्थी हो, फैमिलीज हो, हर किसी को लेकर चलना है, वो एक अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि एक साल बढ़ा कर कि हम अपनी जो गुनाह है वो कम करें, नेकी से हम लोगों के साथ बढ़े आगे। और इसी तरह से मैं दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला उम्र दराज भी करे और मौका दे कि हम लोगों के आवाम के लिए काम आए, इसी तरह लोगों के दिल में हम जगह बना पाए। और बस अल्लाह हर किसी को महफूज रखे हर बलाए से, हर परेशानी से, आमीन। और मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ इन सब की टीम की जिन्होंने मुझे मौका दिया सेलिब्रेशन कंप्लीट करने का यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। आज जफर भाई के, गफूर भाई के ऑफिस पे कांग्रेस के कार्यालय में आफरीन मैडम थाना जिला यूटी की अध्यक्ष का यहाँ पर बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा गया जिसमें हम सारे सीनियर जूनियर मिल के आफरीन मैडम का बर्थडे मनाए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन में आफरीन मैडम और संघर्ष करें और हमारी ये दिली ख्वाहिश है और दिली तमन्ना है हम इनके साथ में मिल के काम करें और इंशाल्लाह ताला इनको इलेक्शन में खड़ा किया जाए और इंशाल्लाह इनको जिता के लाया जाए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। हम बड़े भाइयों की तरह इनके साथ में शाना बा शाना चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इनको हर नज़र बस से बचाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे यूथ की जो अध्यक्ष है थाना जिला की, इनको मैं बहुत बहुत इनके दुआ देता हूँ कि हमारी ऐसी यानी कि आर्यन लेडी जो बोलते हैं ना, यानी वो ऐसी रहे हमेशा और आधा साल भी ऐसी मुस्कुराते रहे, बस हमारी दुआ है उनके साथ में हमेशा और हमारा साथ रहेगा युग का पूरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। मैं आफरीन को सही तहे दिल से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़मीनी आसमानी हर बला मुसीबत से बचाए, उसके उम्र में बरकत देवे। और गफूर भाई ने जो आज हमारे गफूर नुमानी साहब ने इतना बड़ा उनके लिए किए तो मैं बहुत खुश हूँ कि भाई ने उनकी बर्थडे मनाए और कांग्रेस का एक नाम मेरे ख्याल से मेरे को मालूम नहीं किया कि नहीं कोई किया, पर मेरे नज़र में उन्होंने किए। आज बहुत बड़ी बात है कि एक हमारे नेता ने उनका सत्कार किए। अभी कौन किया कि नहीं मुझको तो नहीं मालूम है, पर मैं गफूर भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अगर ऐसा ही काम करते रहेंगे तो देखना अल्लाह ताला आपको किस मकाम पे पहुँचाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बोलते तो सब है, करना चाहिए तो वो समझ में आता है। दुआ के साथ उसके हौसला जो गफूर भाई ने दिए है वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा प्रोग्राम किए। मैं बहुत गफूर भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सोहेल मेरा भांजा, मेरे दोस्त, मेरे फिरोज़ भाई मेरे दोस्त, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गफूर भाई आप ऐसे ही लोगों के लिए किया करो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इंसान का सिला मिले नहीं मिले पर अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेगा, उसकी ये खुशी के आंसू थे आपके लिए। हाँ।